बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 25 का, ये बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग। आरएसआई 1 टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, यानी स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल वेक्टर के नाम से प्लेलिस्ट में लेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, एकदम ध्यान से देखो, बड़ा ही इजी है। शो दैट द वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर होने के लिए क्या कंडीशन है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। आ जाइए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। यहाँ रहा ए, ये रहा बी, ये रहा हमारे पास सी, ठीक है। यहाँ बनाइए डिटर्मिनेंट का साइन। ए है तो ए के ए में क्या है, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, तो जो नंबर है उसको लिए। आई के साथ कौन सा है, 1, जे के साथ माइनस टू, के साथ इधर 3, ठीक है। बी में क्या है, माइनस टू थ्री माइनस फोर, माइनस टू थ्री माइनस फोर, ठीक है। सी के साथ कितना है, 1 माइनस थ्री फाइव, 1 माइनस थ्री, इधर कितना है 5, ठीक है। अब यहाँ 1 लेंगे तो क्या होगा, सामने वाली को छोड़ दीजिए ऐसे और ऐसे, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, बीच में माइनस लेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 4 कितना 12, तो यहाँ माइनस 12, माइनस 2 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस 2 इंटू 5 कितना माइनस 10, बीच में माइनस होता है, 1 इंटू माइनस 4 कितना हो गया, कितना हो गया माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। प्लस 3 लेंगे तो सामने वाले ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो माइनस 2 इंटू 3 कितना, माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, बीच में माइनस होता है, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा इधर से 3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1, इधर कितना 15 माइनस 2 12 कितना हो जाएगा इधर 3, प्लस 2 इधर कितना माइनस 10 प्लस 4 तो माइनस 6, प्लस 3 इंटू इधर कितना इधर से 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ माइनस 12, अब प्लस कितना 3 इंटू 3 9, यहाँ हो जाएगा कितना 9 प्लस 3 12 माइनस 12, ये तो 0, क्या 0 आ गया, ए बी सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस जो वेक्टर ए बी सी दिया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, आर कोप्लानर, कोप्लानर, ठीक है। यही प्रूफ करना था, क्लियर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, तो फर्स्ट नंबर बन गया। अब चलते हैं बच्चों सेकेंड नंबर में, किसमें, इसी का सेकेंड नंबर है, तो आ जाओ इसका सेकेंड है 4 का। ए बराबर आई प्लस थ्री जे प्लस के, वेक्टर ए बराबर आई प्लस कितना 3j और प्लस कितना इधर से k, ठीक है। बी बराबर कितना है इधर से 2i माइनस j और माइनस k, ठीक है। सी बराबर कितना है 7j और प्लस 3k, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, अब निकालेंगे हम यहाँ a बी और इधर निकालेंगे सी, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे। वेक्टर ए है तो ए के साथ कौन सा, आई प्लस थ्री जे प्लस के, तो आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 यहाँ लिखिए, जे के साथ 3 है तो 3 को यहाँ लिखिए, के साथ कुछ नहीं है 1 तो यहाँ लिखिए, बी के साथ 2 माइनस 1 माइनस 1 तो ऐसे लीजिए 2 माइनस 1 माइनस 1, आई नहीं है तो यहाँ पर पहले 0, जे के साथ क्या है 7 तो यहाँ लिखिए, के साथ 3 है तो इसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब चलो बच्चों यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 के सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 3, बीच में माइनस लेंगे 7 इंटू माइनस 1 तो माइनस 7, तो माइनस माइनस प्लस 7, प्लस 3 लेंगे बुआ सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, बीच में माइनस 0 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा इधर प्लस 0, प्लस 1 लेंगे तो 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, यहाँ 0 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 0, ठीक है। यहाँ फाइनली कितना 7 इंटू कितना 4 3 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 1 इधर 4, यहाँ 6 प्लस 0 यहाँ 6 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 6 प्लस 3 18 और यहाँ पर प्लस 14, अरे ये तो कट नहीं रहा है जी, कहाँ गलती हो रहा है, एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है, कहाँ गया I प्लस, यहाँ देखो 1 3 1, ठीक है, उसके बाद 2 माइनस 1 माइनस 1, उसके बाद कितना है 0 7 3, यहाँ तक तो ठीक है। आ जाओ 1 लिए तो माइनस 3 प्लस 7, ठीक है, यहाँ तक 3 लिए तो ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे 6 माइनस 0, अब उसके बाद एक मिनट, यहाँ प्लस 3 का यहाँ माइनस 3 ना होगा जी, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 18, ठीक है, 4 प्लस 4 का 14 कितना 18 है माइनस 18, ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर फाइनली क्या निकला, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ए बी सी का वैल्यू 0 आ गया। तो
क्या लिखेंगे, हेंस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर को प्लानर, यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों फोर का थर्ड है, ए बराबर टू आई माइनस जे प्लस टू के, बी बराबर आई प्लस टू जे माइनस थ्री के, सी बराबर थ्री आई माइनस फोर जे प्लस सेवन के। ठीक है, हमें निकालना है ए बी और सी। ठीक है, यहाँ कितना होगा, डिटरमिनेंट का साइन दीजिए, ए वाला में क्या है टू माइनस वन और टू, तो यहाँ टू माइनस वन और टू। ठीक है, यहाँ वन टू माइनस थ्री, तो यहाँ वन टू माइनस थ्री, यहाँ थ्री माइनस फोर सेवन, टू लेंगे तो सामने वाले को छोड़िए ऐसे और ऐसे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, बीच में माइनस होता है, माइनस फोर इंटू माइनस थ्री कितना 12, यहाँ माइनस इसको लेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो इसके सामने ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए तो वन इंटू सेवन कितना सेवन, बीच में माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री तो माइनस नाइन, तो माइनस पहले से तो प्लस नाइन, प्लस टू लेंगे तो ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, वन इंटू कितना माइनस फोर, क्या निकलना है माइनस फोर, तो कितना हो जाएगा इधर माइनस फोर, बीच में माइनस होता है थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा सिक्स, यहाँ कितना फोर्टीन इंटू ट्वेल्व कितना हो जाएगा टू प्लस वन, यहाँ पर कितना हो जाएगा सिक्सटीन, यहाँ पर कितना हो जाएगा टू इंटू माइनस टेन, यहाँ फोर प्लस कितना सिक्सटीन, और यहाँ हो जाएगा माइनस ट्वेंटी, तो ये क्या रहा ट्वेंटी और माइनस ट्वेंटी जीरो, क्या जीरो दिया, ए बी सी का वैल्यू हमारे पास क्या मिला यहाँ से वेक्टर ए बी सी यानी एस्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, हेंस यहाँ से क्या हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी आर क्या कोप्लानर, यही तो प्रूफ करना था, बस सिंपल था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों फाइव नंबर है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, क्या निकालना है लेमडा का वैल्यू निकालना है, कब जब ए बी सी कोप्लेनर है, कोप्लेनर होगा इसका मतलब क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, यहां पर सीधे लिखिए, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ए बी सी कोप्लेनर है वेक्टर ए बी सी आर क्या कोप्लेनर, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या करते हैं डिटरमिनेंट के मेथड से लिखते हैं बराबर जीरो, ए है पहले वैल्यू सब लिखे टू माइनस वन वन, यहाँ टू माइनस वन वन, बी में क्या है वन टू थ्री, तो वन टू इधर थ्री, सी में क्या है थ्री लेमडा फाइव, यहाँ पर थ्री लेमडा इधर से फाइव। ठीक है, अब टू लेंगे टू के सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़िए, टू इंटू फाइव कितना टेन, माइनस लेमडा इंटू थ्री कितना थ्री लेमडा, बीच में माइनस होता है माइनस वन लेंगे तो प्लस वन, ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए वन इंटू फाइव फाइव, बीच में माइनस थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा नाइन, प्लस वन लेंगे तो ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए वन इंटू लेमडा, तो लेमडा माइनस कितना थ्री इंटू सिक्स टू कितना हो गया माइनस सिक्स बराबर जीरो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ ट्वेंटी माइनस इधर से करोगे तो सिक्स लेमडा, यहाँ फाइव माइनस नाइन कितना हो जाएगा माइनस फोर, तो यहाँ माइनस फोर, यहाँ करोगे तो प्लस लेमडा और माइनस सिक्स बराबर जीरो, माइनस सिक्स लेमडा और प्लस लेमडा तो माइनस कितना इधर फाइव लेमडा, यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन, यहाँ कितना हो जाएगा टेन, यहाँ ट्वेंटी, ट्वेंटी में से टेन गया तो कितना बचा प्लस टेन इसकॉस टू जीरो, तो माइनस फाइव प्लस लेमडा इसकॉस टू माइनस टेन, माइनस माइनस कट गया, यहाँ से टू टाइम में कट गया, लेमडा का वैल्यू टू। आपके बुक में आंसर गलत है, लैम्डा का पहला नंबर उसको सही कर लीजिए, लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा टू आएगा। ठीक है, चलो अब वो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी का सेकंड नंबर है फाइव का सेकंड, तो फाइव का सेकंड नंबर में वेक्टर ए दिया हुआ है कितना लैम्डा आई माइनस कितना टेन जे, उसके बाद है इधर से माइनस फाइव के। ठीक है, वेक्टर बी दिया हुआ है कितना माइनस सेवन आई माइनस फाइव जे, और वेक्टर सी दिया हुआ है आई माइनस फोर जे माइनस कितना इधर थ्री के। ठीक है, चलो तो ए बी सी हमारा क्या है कोप्लेनर है, ये वाला माइनस है, ध्यान से माइनस का
विशेष तौर पे ख्याल रखो। यहाँ पर तो सेम होगा ए बी सी कोप्लेनर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ए बी सी का वैल्यू जीरो, डिटर्मिनेंट बनाइए और बराबर में जीरो को साथ में लेकर चलिए। ए के साथ कौन सा, ए का क्या है लेमडा माइनस टेन माइनस फाइव, तो लेमडा माइनस टेन इधर से माइनस फाइव, बी में माइनस सेवन आए तो पहले माइनस सेवन, जी के साथ माइनस फाइव, के नहीं है तो लास्ट वाला में जीरो, यहाँ वन माइनस फोर माइनस थ्री, तो वन माइनस फोर और इधर माइनस थ्री, ठीक है। लेमडा लेंगे, इसके सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़िए लेमडा, ठीक है, सामने वाली को छोड़िए, तो माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री कितना हो जाएगा फिफ्टीन, इसको इधर करोगे तो माइनस जीरो, बीच में माइनस होता है, ये वाला टर्म ले रहा है तो ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ प्लस टेन, सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो माइनस सेवन इंटू माइनस थ्री, तो यहाँ जाएगा ट्वेंटी वन, बीच में माइनस वन इंटू जीरो जीरो, उसके बाद माइनस फाइव लेंगे, इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ करोगे ऐसे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन, बीच में माइनस होता है, वन इंटू माइनस फाइव कितना होगा माइनस माइनस प्लस फाइव बराबर जीरो, ठीक है। इतना यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 लैम्डा यहाँ हुआ, कितना हो जाएगा 210, यहाँ 5 तो सही है, यहाँ पर 33 बराबर जीरो, ठीक है। ये रहा हमारा 15 लैम्डा प्लस 210, यहाँ पर करोगे 5 या 15 एक 16 165, तो 15 लैम्डा, इसको देखो 210 में से 165 घटाओ, 210 में से 165 घटाओ, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये तो कट जाएगा, इधर से कितना बचेगा जी 4, 45 बचेगा ना, यहाँ बचा कितना प्लस 45 इक्वल्स टू जीरो, तो 5 लेमडा इक्वल्स टू इधर ले जाएंगे माइनस 45, ये कट जाएगा कितना 3 टाइम में, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ कितना निकला माइनस 3 निकला, यही आंसर हो जाएगा, क्लियर है एकदम, भेजा है बात, घुसा है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 5 का थर्ड में a बराबर i माइनस जे प्लस के, b बराबर 2i प्लस जे माइनस के, c बराबर लेमडा i माइनस जे प्लस लेमडा के, ठीक है। हमें क्या निकालना है लेमडा का वैल्यू कब, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि वेक्टर a b c r कोप्लानर, क्या है ये कोप्लानर, इसका मतलब कि सर ए बी सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे या ऐसे बराबर जीरो, ए में कौन सा है वन माइनस वन, वन वन माइनस वन वन, बी में कौन सा है इधर से टू वन माइनस वन, सी में है लेमडा माइनस वन और लेमडा, ठीक है। चलो अब वो यहाँ देखो वन लेंगे ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए सामने वाले को, तो वन इंटू लेमडा लेमडा, बीच में माइनस वन इंटू माइनस वन, तो वन माइनस लेते हैं माइनस वन, माइनस वन पहले से है तो यहाँ प्लस वन हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस होता है, ठीक है। अब ऐसे छोड़ दीजिए सामने वाले को ऐसे, तो यहाँ टू इंटू लेमडा तो टू लेमडा, यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई माइनस लेमडा तो माइनस वन प्लस लेमडा, प्लस वन लेंगे सामने वाले को ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, तो टू इंटू माइनस टू तो माइनस माइनस वन तो माइनस टू, अब माइनस इधर से करेंगे तो ये माइनस लेमडा बराबर जीरो, ठीक है। यहाँ वन से करोगे तो लेमडा माइनस वन, यहाँ टू लेमडा प्लस लेमडा तो यहाँ तो थ्री लेमडा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस टू और माइनस लेमडा बराबर जीरो, यहाँ कितना तीन एक चार, चार में से एक गया कितना बचेगा थ्री लेमडा, और यहाँ माइनस वन और माइनस टू तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री बराबर जीरो, तो थ्री लेमडा इक्वल्स टू प्लस थ्री कट गया उधर गया तो लेमडा इक्वल्स टू कितना वन, लेमडा का वैल्यू हमारे पास वन निकलेगा, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। बच्चों अच्छा क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।